पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र अजय रौतेला ने बागेश्वर जिले की कानून व्यवस्था पर संतोष जताते हुए लोगों को भरोसा दिलाया है कि नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी रहेगा, साथ ही यातायात नियंत्रण के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। विकास भवन सभागार में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम के दौरान पुलिस महानिरीक्षक अजय रौतेला ने शालीनता के साथ लोगों की समस्याओं को न केवल सुना बल्कि उनके समाधान का भी भरोसा दिलाया। आईजी कुमाऊं ने कहा कि साइबर क्राइम, नॉन बैंकिंग से संबंधित अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इन्हें रोकने के लिए पुलिस तो प्रयास कर ही रही है, लेकिन इससे बचने के लिए लोगों को भी जागरूक रहना होगा। जन संवाद के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल, सीनियर सिटीजन संगठन के रणजीत सिंह बोरा, दलीप सिंह खेतवाल, बालादत्त तिवारी सहित अन्य संगठनों से जुड़े लोगों ने आईजी का स्वागत करते हुए उन्हें समस्याओं से अवगत कराया। बागेश्वर के पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव तथा कोतवाल डीआर वर्मा ने भी बागेश्वर की समस्याओं से आईजी को अवगत कराया। हमने आईजी महोदय की पहले तो स्वागत किया, हमारे जिले में आने पर उनका स्वागत किया। उसके बाद हमने अपने जिले की समस्या रखी। हमने कहा कि जो हमारा शहरी क्षेत्र है, नगर क्षेत्र है, वहाँ पर तो पुलिस की गश्त करीब करीब चलती है, लेकिन हमारे जो इंटीरियर एरिया हैं, जैसे पैदल रास्ते हैं, जैसे आप ये मानिए कि डिग्री कॉलेज के पीछे का पूरा एरिया, मंडल सेरे का पैदल रास्ता पूरा, ये पार भागरथी पुल से ऊपर को पैदल एरिया जो है वहाँ पर गश्त नहीं हो पाती है। तो उसके लिए हमने कहा कि वहाँ गश्त की व्यवस्था की जाए, जिससे कि असामाजिक तत्व जो हैं वहाँ पर कोई बुरी हरकत ना कर पाए। और दूसरी हमने ये समस्या रखी थी कि ट्रैफिक जाम वाली जो बात हुई थी, तो मैंने ये रखा था कि जगह जगह पर जितनी भी जगह उपलब्ध है वहाँ पॉकेट पार्किंग बना दी जाए, कि यहीं पर 5 गाड़ी 10 गाड़ी ऐसी जो जगहें हैं जो कि अवैध लोगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है उन जगहों पर, तो उसका उपयोग क्यों ना किया जाए, नगर पालिका और पुलिस प्रशासन मिलकर उसका उपयोग करें। यही हमने दो बातें मुख्य रखी थी। बागेश्वर आपको पता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ये अपना शहर है, कुमाऊं की काशी इसको कहा जाता है, लेकिन जनपद बनने के बाद जो इसकी भौगोलिक जो फिजिबिलिटी है उसके हिसाब से यहाँ पर जो मुख्य समस्या है वो है ट्रैफिक का और पार्किंग का। और कमोवेश ऐसा पहली बार हुआ है मेरी जानकारी में कि कोई बड़े स्तर के अधिकारी ने जन संवाद का कार्यक्रम रखा है और उसमें बहुत से इशू यहाँ पर आए हैं। और नगर का जहाँ तक प्रश्न है जो पार्किंग से संबंधित और जो बाहर से आने जाने वाले लोगों के लिए, तो उससे एक संदेश जाता है यदि कोई व्यक्ति हमारे शहर में आता है कि यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था है, तो उसके संबंध में और उन्होंने बहुत सकारात्मक जो है पहल का आश्वासन दिया है आई जी साहब ने, और उनका स्वागत यहाँ पर है। ना एनुअल इंस्पेक्शन के लिए आया था मैंने, कल पुलिस लाइन का मुआयना करा, जो कमियाँ थी वहाँ पर वो बताया, कुछ सुझाव दिए। आज पुलिस ऑफिस गया, शाम को थाने में जाऊँगा। यहाँ भवन में एक तो सबसे बड़ी समस्या दूर है वहाँ पे, उसके बाद एक कूड़ा घर है वहाँ पे, जिसकी वजह से वहाँ कूड़ा बदबू वगैरह आती है। तो अभी आज नगर पालिका अध्यक्ष जी से भी बात हुई है, लेकिन उन्होंने भी अपनी समस्या बताई, लेकिन वो धीरे धीरे उसको हटाने की बात कर रहे हैं। उसके बाद आज ऑफिस भी गया पुलिस ऑफिस में, जो अपने अभिलेख वगैरह देखे, उस समय में कुछ कमियाँ थी उसके बारे में SSP साहब को बताया। आज फिर जन संवाद का था, उसमें लोगों ने समस्याएं बताई, मेन समस्या उन्होंने बताई ट्रैफिक की। कुछ उन्होंने सुझाव दिए हैं कि जैसे वन वे कर दिया जाए, नो ट्रैफिक जोन कर दिया जाए। इस संबंध में मैंने SSP को निर्देशित किया है कि जो लोकल जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबके साथ मीटिंग कर लें, उनको साथ ले करके एक प्लान बना लें। कुछ पार्किंग के बारे में लोगों ने कहा, कुछ प्राइवेट पार्किंग रखना चाहते हैं, उनको कहा कि आप प्राइवेट पार्किंग खोलें, जिससे कि समस्या का समाधान। एक लोगों ने यहाँ पे बाइक टैक्सी के बारे में बात करा, तो अगर पुलिस विभाग से NOC मांगी जाएगी तो हमें कुछ मत देने में कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा लोगों ने यहाँ नशे के लिए बारे में बात करी, तो नशे में काफ़ी कार्रवाई हुई है, लोगों ने आप संतोष भी व्यक्त किया है, लेकिन कहा कि कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं, उनसे ये हमने अपेक्षा करी है कि हमें सूचना दें। हम लोग कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएँगे, जो कि नशे के बारे में क्या उसके खराबी हैं उसके बारे में लोगों को, बच्चों को बताएँगे, और इनकी जो सप्लाई चेन है उसको रोकने के लिए भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा विगत माह में हम लोगों ने काफ़ी चरस पकड़ी है, स्मैक वगैरह पकड़ी है। देखिए जहाँ से मेन सोर्स है यहाँ पे बरेली का है, वहाँ से काफ़ी हमने सर पकड़ी गई है, जितने आप क्योंकि मात्रा बहुत छोटी लेते हैं, एडिक्ट्स हैं वही पेडलर्स बनते जा रहे हैं, क्योंकि पहले मैं पीता हूँ शराब, उसके बाद में आप उसके अपनी कमी पूरी करने के लिए बेचना शुरू कर रहे हैं, उसमें भी कह रहे हैं चिन्हित कर रहे हैं, पता करा रहे हैं,
देखिए सम्मेलन में सबसे बड़ी दिक्कत है पुलिस लाइन थोड़ा दूर है वहाँ। उन्होंने कहा एक तो वहाँ पर हमारे कुछ क्वार्टर्स हैं बने हुए हैं वो खाली हैं, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने एक समस्या, एक तो पानी की बताई, एक उन्होंने कूड़े की जैसे मैंने बताई, एक दूरी की बताई कि रात में पुलिस में रात बेरात में आना पड़ता है तो उसमें दिक्कत पड़ती है। अब धीरे धीरे वो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसको समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। पानी की समस्या का समाधान हो गया है, लेकिन कूड़े में जैसे आप मैंने आपको बताया चेयरमैन साहब ने कहा है कि शायद हटाने की बात करें, तो धीरे धीरे उस समस्या को दूर। एक थानों में से नया कल्चर स्टार्ट करने की आप कोशिश कर रहे हैं सर, जो रिसेप्शन वाला कल्चर आपने बताया था कि महिला बैठेगी। अब नया एक जैसा जनरली पुलिस में पुलिस के थानों में लोग जाने में घबराते हैं, उसको एक ज़्यादा अच्छा इंटरफेस देने, ह्यूमन इंटरफेस देने के लिए हमने महिला पुलिस वहाँ पर एक रिसेप्शन डेस्क बनाया, तो जो भी कंप्लेंट लेके जाएगा उसकी कंप्लेंट वहाँ पर रिसीव होगी और फिर उस पर कार्रवाई करेगी। जो फर्स्ट इंटरफेस होगा वो महिला पुलिसकर्मी से, जिससे कि जो अभद्रता या उसकी शिकायत आती है वो नहीं। सर साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है सर, बहुत लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं, टेलीफोन आता है OTP नंबर वाला, तो किस तरह से निपटना, ये बड़ी चुनौती है सर आपके लिए? ये तो साइबर क्राइम तो आप समझ ही रहे हैं बिल्कुल सबसे बड़ा नया क्राइम उभर के आ रहा है, और इसमें अधिकतर है कि अवेयरनेस नहीं होती है, लोग जानबूझ के बोले वाले लोग अपने जानबूझ के OTP दे देते हैं या उनके बहकावे में आ जाते हैं। इसके लिए भी हम लोग अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाएंगे, फिर हम लोग साइबर सेल है हमारा उसमें कार्रवाई करिए, कहीं चंपावत वगैरह में कुछ हमें सफलता भी मिली है तो इसमें हम कार्रवाई कर ही रहे हैं। एक सर बैंकिंग के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहा है, जब बैंक आते हैं कहते हैं कि हम धन दुगुना करेंगे तो बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। देखिए उसमें बैंकिंग वाले क्षेत्र में ही नॉन बैंकिंग कॉरपोरेशन ऑपरेट कर क्रेडिट सोसाइटी वाले उसमें कुछ तो लोग उसमें लालच से फंसते हैं। शुरू में जब वो देते हैं तो उसमें आपको मालूम है कि वो अपना ब्याज वगैरह देते हैं, लेकिन बाद में अचानक वो पैसा लेके चले जा रहे हैं, उसमें अभियोग कायम करें, कुछ हमने पकड़े हैं कुछ जेल में, उन्होंने भी पैसा आगे साइफन कर दिया तो सोर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग भागे हुए हैं, कुछ जैसे कम क्रेडिट वाले हैं वो भी भागे हुए हैं, कुछ हमने पकड़े भी हैं कुछ जेल में भी हैं, सब में मोबाइल डायरेक्ट में ओलेक्स में लेने में वैक्सीनेशन लेने में अब तो रोज़ नए तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं, सब लोग लालच में फंस रहे हैं। जबकि अभी एक केस में देख रहा था पुलिस के द्वारा कोई ऐसा जागरूक अभियान चलाएगा, पुलिस की तरफ से जागरूकता का अभियान चलाएगा, बताया जाएगा कैसे कैसे फ्रॉड्स करते हैं हम लोग का बार बार, आप लोग भी पेपर में देते रहते हैं हम लोग भी देते रहते हैं एडवाइजरीज देते रहते हैं, फिर और जागरूक कराएगा। भैया हम तो ये कहेंगे चरस मत बेचो अपना, सर वहाँ होता वही है नहीं, अब चरस बेचना तो अब नारकोटिक्स का अपराध है, उसमें मैं क्या कह सकता हूँ आपको, जागरूक है मैं तो ये कहूँगा उनको इस नशे का कारोबार में ना है ना, आप इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज जो आप कह रहे हैं, लेकिन चरस का तो कारोबार पता ही है सबको कि अपराध है उसमें और बहुत बड़ी सजा होती है। अब वो चेकिंग करते हैं उसमें पकड़ी भी जा रही हैं, आप ये भी देखो कि पकड़ी भी बहुत जा रही हैं, कुछ लोग हम लोग नहीं भी पकड़ पा रहे हैं लेकिन कोशिश हम लोग कर रहे हैं लगातार। एक बागेश्वर शहर में सर CCTV कैमरे लगाकर का अभियान था, वो CCTV कैमराज लग रहे हैं अभी हम लोग कुछ हम पुलिस लगा रही है अपने लेवल पे, कुछ हम लोग जन ये विधायक जी वगैरह से और लोग। CCA न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।